हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन हार मानने के बजाय हमेशा उसे बदलने का प्रयास करें, हमेशा उसे बदलने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम मैं कहूँगा बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, कुछ ज्ञान नहीं होता इस बारे में, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिविटी होती है कि मन में प्रश्न होते हैं, कुछ लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, कुछ नहीं होता इससे, और कुछ लोगों के मन में होता है कि क्या ये सच है, क्या इससे कुछ होता है। इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपके मन के जो भी डाउट्स हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, वो सब क्लियर करने वाला हूं दोस्तों आज मैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आप जो बता रहे हैं, आप जो वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हो नहीं रहा, चाहे वो एज अ करियर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो लव रिलेशन हो, लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा हमारे जीवन में हो नहीं रहा। आखिर क्यों नहीं हो रहा, ये भी जानेंगे, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, सब कुछ समझ में आ जाए आपको, ठीक है। नेगेटिव होने से अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनर्जी ही हैं, हम जिस चीज़ को ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे ना, वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं हमारे मन के अंदर। हम जितने पॉजिटिव होते हैं उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, और जितने हम नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उतनी एंग्जाइटी, उतनी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, फिर हमें कोई भी चीज़ सही नहीं लगती। इंसान मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, कहीं पर भी जाता है, क्यों जाता है, क्या वास्तव में वहाँ पर भगवान है? इसलिए जाता है ताकि वहाँ सुकून है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप भी वहां जाते हैं तो थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, तो वहां का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बड़ा पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बाहर आके फिर वही नेगेटिव। अगर वास्तव में आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, तो फिर मैं नहीं कहूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, फिर तो आप जहां हैं वहीं पॉजिटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी है तो वहीं सुकून है और वहीं भगवान है, ये सत्य है। चलिए फिलहाल तो जानते हैं एस्ट्रोलॉजी कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजर क्या करता है। दोस्तों, हमारा जो यूनिवर्स है ना, हमारा जो यूनिवर्स है 360 डिग्री का भचक्कर है एक, जिसमें सारे ग्रह ना गोचर करते हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक। समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है, फिर कमेंट कीजिएगा। वो होता है डायनेमिक, उसको कहते हैं गोचर, ग्रहों का गोचर, यानी कि ट्रांजिट, सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं यूनिवर्स में, ठीक है, भचक्कर में, ठीक है। पृथ्वी भी, हमारी पृथ्वी भी चक्कर काट रही है सूर्य के, ऐसे सारे ग्रह, बुध हो गया आपका, शनि हो गए, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, ठीक है, सारे गोचर कर रहे हैं, उसे कहते हैं डायनेमिक। और एक होता है स्टेटिक, यानी कि आपकी कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, उसे कहते हैं कर्म कुंडली, ठीक है। और वहां पे जो ग्रह बैठे हैं वो फिक्स हैं, वो क्या है, वो आपका कार्मिक कनेक्शन है, वो आपके कर्मों का फल है, जो आपके कुंडली बनी हुई है, आपके पूर्व जन्मों का कर्म जो आप लिखवा के आ रखे हो, जो कि आपको भोगना ही भोगना है, इस पर चर्चा करूंगा मैं आगे, ठीक है। तो ये होते हैं एस्ट्रोलॉजी, कि सारे ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हाउस में बैठे हैं, कहाँ कहाँ उनका एस्पेक्ट है, किसके नक्षत्र में है, कौन सी राशि है, क्या लग्न बन रहा है आपका, क्या दशा महादशा चल रही है आपकी, राइट। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर दोस्तों क्या काम करता है कि आपकी जन्म कुंडली को देखता है और उसको एनालिसिस करता है, यानी कि उसका विश्लेषण करता है कि आपका लगन क्या है, आपकी कुंडली कैसी है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, आपकी आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा, आपकी संतान पक्ष कैसा रहेगा, आपका कुटुंब परिवार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी रहेगी, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजर करता है। लेकिन अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये तो एस्ट्रोलॉजर काम करता है, लेकिन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है जो कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशंस होता है कि जो उनके मन में है, जो वो जानना चाहते हैं, वही एस्ट्रोलॉजर बताए। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई अगर एस्ट्रोलॉजर के पास में आ रहा है तो वो क्या जानने आ रहा है कि मेरा लव रिलेशन में ब्रेक हो गया है, कब वापस आएगा, ठीक है, कब वापस आएगा, वो ये सोच के बैठा है कि एस्ट्रोलॉजर बताएगा कब वापस आएगा, सिर्फ पॉजिटिव सुनने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सुनने के लिए। और इसी की वजह से ही कुछ एस्ट्रोलॉजर मन गणत कहानियां उनको लिख देते हैं, बोलते हैं, जिसकी वजह से नाम तो खराब होता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एनालाइज कर सकता है, बदल नहीं सकता। कोई भी, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, समझ आ जाएगा आपको, कि कोई भी कुछ बदल नहीं सकता, इवन परमात्मा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके कर्मों का फल है, वो तो आपको भोगना ही है ना,
भाई वो तो आपको भोगना ही है, जो ग्रह बैठे हैं आपके, जो वो एनर्जी क्रिएट करेंगे जिस हाउस में है, शनि आपके जिस हाउस में बैठे हैं, सेवंथ में है तो मैरिड लाइफ में देरी करेंगे, वहां पर आप अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करेंगे, परेशान रहेंगे, थोड़ी एफर्ट्स लगाएंगे, तो जो प्लैनेट्स बैठे हैं भाई वो तो आपको भोगना है ना, वो कर्मों का फल है, वो तो एनर्जी क्रिएट करेंगे, उसको थोड़ी ना रोक सकते हैं आप, ठीक है, तो उसको समझो। लेकिन लोगों के मन में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सिर्फ आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए इसलिए आओ कि आपकी कुंडली में क्या है, क्या अच्छा है, क्या कुछ नेगेटिव जो है वो आपके ग्रह हैं जिनको रेमेडीज करके कुछ बेटर कर सकते हैं हम, आपके प्लैनेट्स कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है, कौन सा फैक्टर आपके लिए अच्छा है, आपका करियर अच्छा है या फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके संतान पक्ष में प्रॉब्लम है या आपके नेचर और आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है रेमेडीज के, रेमेडीज से, ठीक है। अब उन लोगों पे आते हैं जो वो लोग हैं जो बोलते हैं कि आप वीडियोस बनाते हैं राशिफल पे, वीडियो बनाते हैं, राइट, बनाते हैं, सब बनाते हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, लेकिन वो सत्य नहीं होता हमारे जीवन में। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो हम वीडियो लेकर आते हैं ना, ये जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, आपको समझ में आ जाए, ताकि जो हम वीडियो लेकर आते हैं वो होता है डायनेमिक, जो प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं गोचर में, ठीक है, वो वीडियो लेकर आते हैं कि आपकी राशि से प्लैनेट्स कहां कहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं, कौन कौन से हाउस में और किस चीजों को वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, और वो आपको बताते हैं कि ये प्लैनेट्स आपकी राशि से यहां पर ट्रांजिट कर रहा है और वो आपको ऐसा फल देने में सक्षम हो सकता है, वो ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स में, राइट, जो यूनिवर्स है वहां पर ऐसा ट्रांजिट हो रहा है, तो वो वीडियो लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि करोड़ों व्यक्ति हैं, उनकी जन्म कुंडली कैसी है, क्या है आपकी जन्म कुंडली, इसको समझिएगा आप लाइफ में। कहते हैं ना कि इंसान जब जाता है इस दुनिया से तो कुछ लेकर नहीं जाता, ये गलत है, इंसान हमेशा अपने कर्म साथ में लेकर जाता है, और जब आता है तो भाग्य साथ में लेकर आता है। कहा जाता है ना कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा ये शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बच के श्री रघुवीर, यानी कि हमारा प्रारब्ध तो तय है दोस्तों, हमारा प्रारब्ध तो तय है कि हमारे जीवन में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, कौन हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, लॉन्ग रिलेशन होगा, शॉर्ट रिलेशन होगा, दो मिनट के लिए आएगा या फिर सालों साल के लिए आएगा, क्या होगा हमारी लाइफ में, ये फिक्स है किसमें, हमारी जन्म कुंडली में, हमारे कर्म कुंडली है वो, समझ गया। तो आपकी जन्म कुंडली में जो लिखा है ना उसको कोई भी नहीं बदल सकता। सबसे पहले कुंडली हमारी मेन होती है कि हमारे ग्रह कैसे कैसे हैं, वो स्टेटिक है, वो आपको जो रिजल्ट देना है वो देगी ही देगी। अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, चाहे राशि कोई सी भी हो, राशि पे मत आना अभी, चाहे राशि कोई सी भी हो, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक कोई भी राशि, लेकिन अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनेंगे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे, बहुत बड़े आप क्रिकेटर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, तो बनेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में वो युति, वो संबंध, वो योग बन रहा है, तो आप बनेंगे चाहे राशि कोई सी भी हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में लिखा है किसी की कुंडली में कि कोई जेल जाएगा, कोई चोरी करेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, कोई बिल्कुल भगवान को नहीं मानेगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, वो लिखा है तो वो बनोगे आप, चाहे किसी की भी कुंडली में लिखा है ऐसा, उसको समझो। लेकिन अब जो हम वीडियो लेकर आते हैं वो होता है डायनेमिक, कि जब ग्रह गोचर कर रहे हैं उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो कि ग्रह कहां कहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं, वो आपके जीवन में क्या ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आपके आपके लिए, आपकी राशि के आधार पे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, डायनेमिक जो गोचर है और दूसरा आपकी कुंडली जो फिक्स है, जो आपको आपके कर्मों का फल है, आपके पूर्व जन्मों का कर्म का फल है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम तो बहुत ईमानदार हैं, बहुत शरीफ हैं, बिल्कुल हो आप, लेकिन जो आप लिखवा के आ रखे हो ना अपनी कुंडली में वो तो भोगना पड़ेगा आपको, ये सत्य है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और कैसी लगी आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में, धन्यवाद।